आखिर क्यों फिल्म की कहानी अलग बताई जा रही है? क्या साबित होगी ये फिल्म अनन्या पांडे के लिए एक वरदान? हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है पॉलीग्राथ स्टूडियोज की एक नई और खास वीडियो में, और मैं हूँ आपके साथ अनुष्का त्यागी। दीपिका पादुकोण, सिद्धांत चतुर्वेदी और अनन्या पांडे स्टारिंग फिल्म गहराइया का एक नया ऑफिशियल ट्रेलर आज लॉन्च किया जा चुका है फिल्म के सितारों द्वारा उनके इंस्टाग्राम पर। दोस्तों, ट्रेलर काफी सिंपल है लेकिन काफी स्ट्राइकिंग है। ट्रेलर ने मानो पूरी कहानी रिवील कर दी हो, फिर भी इसे देखने का मन करता है क्योंकि ये कुछ उन गहराइयों की बात करती है जो हम शायद नहीं कर पाते हैं। कहानी दो कजिन्स अलीशा और टिया की है, जिनकी अपनी अपनी जिंदगियों की गाड़ी चल रही है। लेकिन अलीशा के किरदार में दीपिका पादुकोण की गाड़ी अपने पार्टनर करण के साथ चल तो रही है, लेकिन बस एक चीज की कमी है, वो है खुशी। शायद प्यार भी था, लेकिन अब वो शायद बस नाम का ही रह गया है। ट्रेलर में दोस्तों हमें करण के किरदार को निभा रहे अभिनेता धैर्य करवा के कम ही ग्लिम्सेस देखने को मिले हैं। फिल्म की कहानी एक लव ट्रायंगल पर बेस्ड है। अलीशा और करण, जो अपनी लाइफ और रिलेशनशिप से एक फ्रस्ट्रेटेड है, एक दिन अलीशा की कजन टिया और उसके फियांसे यानी कि जैन के साथ छुट्टियां बिताने निकलते हैं। अलीशा की लाइफ जहां कॉम्प्लिकेटेड नजर आती है, वहीं टिया की लाइफ काफी स्मूथ दिखाई गई है। लेकिन तभी टिया की लाइफ में कॉम्प्लिकेशंस पैदा होती है जब जैन और अलीशा एक अफेयर की शुरुआत करते हैं। दोनों को एक दूसरे का साथ पसंद आता है, जिसका कारण दोनों के पार्टनर्स का उनकी तरफ बर्ताव दिखाया गया है। करण जहां अलीशा को टाइम नहीं दे पा रहा है, वहीं जैन टिया से अपने आप को इंफीरियर महसूस करता है उसकी सक्सेसफुल वर्क लाइफ को देखकर। तो दोस्तों, क्या अलीशा और जैन के बीच की बढ़ती करीबी के पीछे की गहराई उनकी जिंदगी में चल रही कॉम्प्लिकेशंस थी, या ये उनकी ही मर्जी थी जिसे वो कॉम्प्लिकेशन का नाम दे रहे थे? वहीं इस इंडी जॉनरा में दीपिका और सिद्धांत चतुर्वेदी अपनी एक्टिंग और केमिस्ट्री से सबको अपनी तरफ खींच रहे हैं। लेकिन अनन्या का भी हमने ट्रेलर में एक नया रूप देखा है, जो काफी मैच्योर और टॉलरेंट नजर आ रहा है, जो कि उनकी पहले की फिल्मों से अलग है। हो सकता है कि ये फिल्म अनन्या के स्ट्रगल को एक नई उड़ान दे और उन्हें असल में एक टैलेंटेड एक्ट्रेस के तौर पर एस्टैब्लिश करे। फिल्म की आखिरी कड़ी धैर्य करवा, जो फिल्म में दीपिका के पार्टनर के रूप में दिखाए गए हैं, उनका ट्रेलर में कोई खास रोल समझ में नहीं आया, सिवाय इसके कि वो वर्कहोलिक है और अपने पार्टनर को समय नहीं दे पा रहे हैं और शायद देना भी नहीं चाहते। लेकिन दोस्तों, अनन्या अपने फियांसे और अपने कजन के इस अफेयर के बारे में आगे क्या करेगी और कैसे इस रॉन्ग को फिल्म में राइट करने की कोशिश की जाती है, ये जानने के लिए आपको ये फिल्म जरूर देखनी पड़ेगी। दोस्तों, फिल्म एक मॉडर्न वर्ल्ड में रची गई कहानी है, जिसकी मुश्किल और कॉम्प्लेक्सिटी आज के दौर के हिसाब से लिखी गई है। वर्क, लव लाइफ, चीटिंग और रिलेशनशिप्स का ये जाल, ये फिल्म जिसकी गहराइयों में जितना आप जाने की कोशिश करोगे, बाहर निकलने में आपको उतनी ही दिक्कत होगी। धर्मा प्रोडक्शन, वाईकॉम 18 और शकुना बत्रा की जाउस्का फिल्म्स द्वारा जॉइंटली प्रोड्यूस इस फिल्म का अब दुनिया भर के 240 से अधिक देशों और क्षेत्रों में 11 फरवरी 2022 को विशेष रूप से Amazon प्राइम वीडियो पर वर्ल्ड प्रीमियर होगा। वहीं आपको इस फिल्म का ट्रेलर कैसा लगा है? क्या आप कनेक्ट कर पा रहे हैं इस फिल्म से? अपनी राय हमें कमेंट्स में जरूर दीजिएगा। साथ ही अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है ना, तो उसको लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें दोस्तों। साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। हमारी आज की राइटर